Welcome. Subscribe to AS Foundation, India's leading academy for CA course, and hit the bell icon to get the latest updates. Thank you. Next part of this wonderful chapter, foreign exchange management, is international parity relationship. In the previous chapter, we have understood the basics. We will now use some advanced techniques in foreign exchange management. So this topic deals with international parity relationship. That means how exchange rate is linked to interest rate, how exchange rate is linked to inflation. Okay, there is some relationship between exchange rate and other economic variable, and if these relationship do not follow, arbitrage opportunity will arise. So in this section we are also going to discuss some arbitrage strategies also when the exchange rate is not what it should be. Exchange rate मान लो कम या ज्यादा है, हमारा formula बता रहा है exchange rate इतना होना चाहिए, लेकिन actually अलग है, इसका मतलब arbitrage opportunity arise होगी. Is it right? तो पहले हम आज देखेंगे interest rate parity. पहले हम क्या देखेंगे? Interest rate parity. What is interest rate parity theorem? It gives you the relationship between interest rate and exchange rate. तो इस parity relationship में कौन से दो variable के बीच relationship हम understand करने जा रहे हैं? Interest और exchange rate. यानी कि अगर दो country में interest rate अलग अलग है तो उससे exchange rate कैसे affect हो सकता है, ठीक है? और how the forward rates are decided if there are difference in interest rates. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे से explain करूं तो पेज सामने रखना, और समय बचाने के लिए मैंने वहां पे सब कुछ लिख दिया है, इसलिए अगले कुछ मिनट सिर्फ समझने पे ध्यान दो. इंटरेस्ट रेट पैरिटी का या तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दूं, बोलूंगा रट लो काम हो गया, या उसके पीछे फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो देखना. सपोज स्पॉट रेट है 60 रुपया और इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज 10%, इंटरेस्ट रेट इन यूएसए इज 4%. अगर दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है तो एक्सचेंज रेट एक साल के बाद क्या 60 ही रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा. यानी कैसे चेंज होगा? डॉलर विल अप्रिशिएट और रुपी विल अप्रिशिएट? डॉलर विल अप्रिशिएट. The country which has lower interest rate, its currency would appreciate. लेकिन सिर्फ मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने कुछ numbers लिखे हैं और अब देखना calculation. So there is a 4% interest differential. There is a 6% interest का difference है. अगर ऐसे interest का difference रहा और exchange rate मान लो constant रहा तो लोग क्या करेंगे? यूएसए में 4% से बोरो करेंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो मुफ्त की कमाई हो गई ना 6%. वहां से बोरो करके पैसा लाना है और इंडिया में इन्वेस्ट करना है, एक साल बाद वापस पैसा रिवर्स कर दो, 6% का बैठे बैठा आपको फायदा हो गया. क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है. एक साल के बाद जब पैसा निकालने जाएंगे और जब एक्सचेंज रेट अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा एक्सचेंज रेट तब तक चेंज हो गया. तो जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट हुआ, एक्सचेंज रेट में उतना ही आपको घाटा हो जाएगा. सो द गेन ड्यू टू इंटरेस्ट डिफरेंशियल विल बी एग्जैक्टली कॉम्पेंसेटेड बाय द एक्सचेंज लॉस. तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू बोरो इन यूएसए एंड इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज एक्सचेंज रेट विल नलीफाई द बेनिफिट ऑफ the higher interest rate in India.
ना तो फिर तो इंडिया में इतने लोग आके अभी इन्वेस्ट करते, ऐसा होता तो है नहीं क्योंकि एक्सचेंज रेट बाद में चेंज हो जाता है। सो वी विल कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपने ऐसा मौका देखा, सोचा लगाओ चौका, यूएस गए, बोरो किया $1,000 4% में, तो एक साल के बाद आपको पेमेंट की लायबिलिटी कितनी है 1,040 क्योंकि 4% इंटरेस्ट है। फिर आपने उस $1,000 को लेकर आप इंडिया पहुंचे, इंडिया में अभी स्पॉट रेट क्या है ₹60। इमीडिएटली पहले तो $1,000 को 60 के रेट से कन्वर्ट करेंगे, ₹60,000 मिलेगा, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे 10%, तो एक साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 66,000, 60,000 प्लस 10%। तो अब आप क्या करोगे, 60,000 को लेकर वापस यूएसए जाओगे 66,000 को, लेकिन रुपीस तो लेके नहीं जाओगे ना, डॉलर लेके जाना है। व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट सो दैट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी डज नॉट अराइज। व्हाट शुड बी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं आए। वहां मुझे $1,040 देना है, यहां से मुझे 66,000 रुपीस मिल रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए एक साल के बाद, 63.46 रुपीस पर यूएसडी। एक साल के बाद आपका रेट अपने आप ही 63.46 पर यूएसडी होना जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, कम या ज्यादा होता है, कम या ज्यादा होता है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आएगी आपको। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं वो लिखने जा रहा हूं जो बुक में नहीं है। सपोज एक साल के बाद एक साल का फॉरवर्ड रेट आपको अवेलेबल है ₹62 पर डॉलर में। कोई बैंक है, गलती से उसने एक साल का फॉरवर्ड रेट क्या कोट कर दिया है ₹62 पर डॉलर। जब आप 66,000 को ₹62 से कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेंगे 1064.52 डॉलर। इसमें से आप 1040 वापस करेंगे तो 24.52 का फायदा हो जाएगा। यानी अगर रेट इससे कम हुआ तो आप यूएस में बोरो करके और इंडिया में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। कोई रिस्क है नहीं, उधर से बोरो करना और इधर इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर इतना आसान रहेगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग यूएस में बोरो करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। इससे इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों पे फर्क पड़ेगा। कैसे, जरा देखना, मोर एंड मोर पीपल विल बोरो इन यूएसए, सो द डिमांड फॉर फंड्स इन यूएसए विल गो अप। सो व्हाट विल हैपन टू द इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट विल राइज। तो अभी जो 4 है हो सकता है 4.5-5 हो जाए, क्योंकि सीधा सीधे डिमांड एंड सप्लाई का खेल रहता है। इतने लोग बोरो करने वाले हैं तो लेंडर रेट बढ़ा देगा, लेंडर देख रहा लाइन लगी हुई है बोरो करने वालों की, रेट बढ़ा दो, इज इट राइट। और जब बहुत सारे लोग वहां डॉलर लेकर इंडिया में आएंगे तो इंडिया में उस समय डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, डॉलर की। तो अभी जो 60 रुपीस मिल रहा है आपको, वो 59 मिलेगा, 58 मिलेगा। फिर बहुत सारे लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने आ गए, इन्वेस्ट करने वाले की लाइन लग गई है, तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, है कि नहीं। और एक चीज, बहुत सारे लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई करेंगे, बहुत सारे लोग, ये जो 62 है ये भी बढ़ने लगेगा, तो यूएस में इंटरेस्ट रेट घटेगा, स्पॉट एक्सचेंज रेट घटेगा, इंडिया में इंटरेस्ट रेट घटेगा और एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। तो इस तरह से जो घटना और बढ़ना है ये चलता रहेगा, कब तक, जब तक इक्वल ना हो जाए, जब तक, यानी जब आप इंडिया में रुपीस को यूएस में जाके कन्वर्ट करेंगे तो इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फॉरवर्ड रेट, यानी ये मैच हो जाएगा, नहीं तो तब तक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर इतना आसानी से प्रॉफिट कमाने का मौका मिले तो हर कोई ये करना चाहेगा। इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्बिट्रेज द एक्सचेंज रेट इज बाउंड टू बी 63.46, is it right? If not, arbitrage opportunity will arise because investors would like to take the benefit of this mispricing.
आप भी फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के रोज रोज आते हैं, टाइम वेस्ट होता है, यूएस जाओ, डॉलर बोरो करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, इज इट राइट? हाँ, लेकिन ये बात है कि आपको कोई देगा नहीं लोन, ठीक है? सो इफ एक्चुअल रेट इज लेस देन 63.46, फॉर एग्जाम्पल 61 और 62, देयर विल बी एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी. हाउ द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल अराइज इन दिस केस? बोरो इन यूएसए एंड इन्वेस्ट इन इंडिया. रिवर्स भी होगा, एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं. रिवर्स क्या होगा कि एक्सचेंज रेट ज्यादा है, एक्सचेंज रेट 63.46 से ज्यादा है, इस केस में क्या करेंगे? बोरो इन इंडिया, इन्वेस्ट इन यूएसए. बोरो इन इंडिया, इन्वेस्ट इन यूएसए. बाद में जब आप पैसा वहां से लेकर आओगे, उसको कन्वर्ट करोगे रुपीज में, तो 63.46 की जगह अगर आपको 65 मिलता है तो एक्स्ट्रा रुपीज मिलेगा, वो आपका फायदा हो गया. इज इट राइट? तो एग्जाम में ये बहुत ही हाईली पॉपुलर क्वेश्चन है, फाइंड आउट दी आर्बिट्रेज गेन इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट या एक्चुअल एक्सचेंज रेट जो इस इक्वेशन के द्वारा होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अराइज होगा. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं थ्योरी. अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, लेकिन मान लो थ्योरी आ गया तो ये लिखना आपको कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम कैरेक्टराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट ऑफ द टू कंट्रीज. तो व्हाट इज दिस पैरिटी इक्वेशन? हाउ इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज आर रिलेटेड? एक्सचेंज रेट विल बी अफेक्टेड बाई इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. अभी आपने देखा एक क्वेश्चन में, एक बार वापस पीछे जाके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन में इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% था, यूएस में 4% था. तो कौन सी करेंसी यहां पे अप्रिशिएट हुई? डॉलर. पहले 60 था, अभी 63.46 हो गया. और कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है? इंडिया. तो ये जो रिलेशनशिप है, ये बोलता है अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप फॉरेनर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. द बेनिफिट ऑफ हाइयर इंटरेस्ट रेट विल बी एग्जैक्टली नलीफाइड बाय द एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल एंड देयरफॉर द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल नॉट अराइज. सो एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज विल बी अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल. मैथमेटिकली एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल मीन्स फॉरवर्ड एंड स्पॉट डिफरेंशियल, विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द टू कंट्रीज. ओके, तो जो यहां फायदा हो रहा है वो दूसरी जगह नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप आर्बिट्रेज नहीं कर सकते. ऑफकोर्स अगर दोनों इक्वेशन मैच नहीं हो रहे तो आर्बिट्रेज होगा, और वही हमारे एग्जाम में कई बार आता है कि कैलकुलेट द आर्बिट्रेज गेन गिवन द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स एंड एक्सचेंज रेट्स. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल. इन द अबव एग्जांपल फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन यूएसडी, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन यूएसडी का फॉर्मूला क्या था? एफ माइनस एस बाई एस इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल इन परसेंटेज. 63.46, कैलकुलेटर उठाओ, माइनस 60 डिवाइड बाई 60, 5.77% से डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है. एंड इंटरेस्ट डिफरेंशियल का फॉर्मूला है डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट अपॉन इंटरेस्ट रेट फैक्टर. ये इक्वेशन में थोड़ी देर बाद प्रूफ करूंगा, डोंट वरी. तो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना? 10-4 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर 1.04. यहां पर भी 5.77%. तो अगर आपको यहां पर इंडियन गवर्नमेंट एडवांटेज दे रही है तो आपकी करेंसी उतने से डिप्रिशिएट हो जाएगी और वो एडवांटेज नलीफाई हो जाएगा, है कि नहीं? 5.77% का फायदा हुआ यहाँ पे आपको, लेकिन एक्सचेंज में उतना ही आपको नुकसान होता है. इसलिए ऐसा नहीं कि लोग एकदम भर भर के यूएस जाके इंडिया में पैसे लेकर आते हैं. सिचुएशन तो वही है, यूएस में 3-4% पे इंटरेस्ट मिलता है आज, और इंडिया में आप आराम से 10-12% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये हाइयर रेट पे. लेकिन ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं, वहां बोरो यहां इन्वेस्ट, वहां बोरो यहां इन्वेस्ट, क्योंकि एक्सचेंज डिफरेंशियल इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल.
ओके, तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, अ कंट्री विच हैज अ लोअर इंटरेस्ट रेट, हमारे एग्जाम्पल में यूएसए का 4% है, इट्स करेंसी वुड बी एप्रिशिएटिंग, एंड इफ अ कंट्री विच हैज अ हायर इंटरेस्ट रेट, इट्स करेंसी वुड बी डेप्रिशिएटिंग। तो जिंदगी भर जब तक इंडिया का इंटरेस्ट रेट यूएस के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, रुपी डेप्रिशिएट ही होता रहेगा, रुपी डेप्रिशिएट ही होता रहेगा। याद रखना, आप लोग पूछते ना कि हर साल ये रुपी बढ़ता क्यों रहता है, आजादी के वक्त 9-10 रुपए था, अभी 64-74 हो गया, तो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, क्योंकि हर साल ही वो बढ़ेगा, वो हर साल वो डिफरेंस की वजह से फिर बढ़ेगा, फिर अगले साल फिर बढ़ेगा, तो डिफरेंस चालू ही रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम करना होगा या यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, ठीक है। सो इन एन एफिशिएंट मार्केट द फॉरवर्ड रेट इज सेट टू बी एट इंटरेस्ट रेट पैरिटी एंड द इक्विलिब्रियम प्रिवेल्स इन द एक्सचेंज मार्केट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरी स्टेट दैट हायर इंटरेस्ट रेट ऑन अ करेंसी इज ऑफसेट बाय अ फॉरवर्ड डिस्काउंट एंड द लो इंटरेस्ट इज ऑफसेट बाय अ फॉरवर्ड प्रीमियम। जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम होगा उसकी करेंसी एप्रिशिएट होगी। सो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल विल बी इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, अदरवाइज आराम से लोग आर्बिट्रेज कर सकते हैं। इफ दिस डज नॉट हैपन, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल अराइज एंड मनी विल फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। अब मैं आपको फॉर्मूला देता हूं तो फिर आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा। तो दो फॉर्मूले यहां पर है, एक है डायरेक्ट कोट के लिए और एक है इनडायरेक्ट कोट के लिए। अगर दो फॉर्मूला याद नहीं रखना तो क्वेश्चन में अगर इनडायरेक्ट कोट आया तो पहले उसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर देना और उसके बाद डायरेक्ट कोट का फॉर्मूला यूज कर लेना, इज इट राइट। तो फॉर्मूला क्या है, 1+RD/1+RF लिखा हुआ है इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट, ब्रैकेट में यहां पे आपकी बुक में ऐसे D/F लिखा हुआ है, कारण है इसका मतलब है डायरेक्ट कोट, डोमेस्टिक करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे कब, जब जब डायरेक्ट कोट दिया हो, ठीक है। कई बार आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप F की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, F will be equal to 1+RD/S/1+RF, ऐसा कर सकते हैं। अरे जोर से हाँ बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया मैंने इसको, सिर्फ इसको इधर ले गया, F को छोड़ दिया अकेले, जाओ। अब देखते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसमें इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%, स्पॉट रेट कितना था 60, और यूएस में इंटरेस्ट रेट कितना था 4%। जरा उठाओ कैलकुलेटर, 60 × 1.10 / 1.04, अगर आंसर मैच हो गया तो समझ जाना फॉर्मूला ठीक है, वही है, उसी को हमने फॉर्मूले में जनरलाइज कर दिया, उसी चीज को अब एक फॉर्मूले में जनरलाइज कर दिया, किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं आप, इज इट राइट। और अगर इनडायरेक्ट कोड दिया हो तो क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला होगा 1+RD/1+RF = S/F, S/F यहां पर है F/D, F/D इंडिकेट्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इज इट राइट। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हुआ राइट साइड में, डायरेक्ट कोड में F/S था और इनडायरेक्ट कोड में S/F है, चेक करना चाहते हैं या रहने दें, चेक करना चाहते हैं कर लो, खुद से करो फिर, मैं क्यों करूं। वन प्लस पॉइंट टेन डिवाइड बाय 1+0.04, स्पॉट रेट विल बी इन डायरेक्ट कोट में 1/60 डिवाइड बाय F,
तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये f by 60 हो जाएगा, बराबर। f by 60 मतलब वही हो गया, वापस वही हुआ कि नहीं? हाँ, तो घूम फिर के वही पहुंच गए ना। इसलिए जब आप इनडायरेक्ट कोड यूज करोगे तो s by f लोगे, s by f लोगे, ठीक है। RDRF का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक मार्केट, इंटरेस्ट रेट इन फॉरेन मार्केट, और S का मतलब स्पॉट रेट, F का मतलब फॉरवर्ड रेट। लेकिन यहां पर भी आपको एक और ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन एक साल का हो तो ये फॉर्मूला ठीक है, छह महीने का हो तो क्या करेंगे? छह महीने का होगा तो आप RD into 6/12 करेंगे एंड RF into 6/12। तीन महीने का होगा तो क्या करेंगे? 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके? अब मैं आपको एक फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं जो ऊपर लिखा हुआ था। ये है हमारा इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला, 1+RD/1+RF=F/S। थोड़ा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोनों साइड से -1 करके देखो क्या होता है। अगर हम दोनों साइड से -1 करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन हो जाएगा 1+RF डिनोमिनेटर में 1+RD -(1+RF)। क्या ये सही होगा? और यहां पे अगर मैं -1 कर दूं, जो लोग गणित में कमजोर है कृपया थोड़ी देर आराम करें। F/S-1 कैन बी रिटन एज F-S/S, लिख सकते हैं। उसी तरह अगर यहां पे मैं -1 कर दूं तो इट कैन बी रिटन एज 1+RD -(1+RF)/1+RF। अब आप ये जो है इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? RD-RF, यानी डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट अपॉन 1+RF इज इक्वल टू F-S/S। ये मैंने ऊपर लिखा था थोड़ी देर पहले, अगर कुछ लोगों को याद हो तो 10-4/1.04=63.46 -60/60। ये लिखा था, तो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1+RF=F-S/S। तो एक ये भी इक्वेशन याद रखना, जरूरत पड़े तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, ओके? ऑलरेडी देखा जा चुका है 5.77 आ रहा है दोनों, है कि नहीं? फिर भी आप ट्राई मार रहे हो दोबारा। तो अब तक आपने कितने फॉर्मूले सीख लिए और सबकी लॉजिक भी हमने देख ली कि एक तो अगर डायरेक्ट कोड दिया जाएगा तो 1+RD/1+RF=F/S, इनडायरेक्ट कोड दिया जाएगा 1+RD/1+RF=S/F, RD-RF/1+RF=F-S/S, ओके? कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, बाकी तीन उससे डिराइव हो जाएंगे, इज इट राइट? एक चीज और बताना रह गया, इफ द इंटरेस्ट रेट इज फाउंड फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, और ऑलरेडी मैंने बोला अभी 6 महीने का क्वेश्चन ज्यादा आता है, 3 महीने का आता है, एंड द इंटरेस्ट रेट इज गिवन पर एनम, 12% इंटरेस्ट पर एनम दिया है और 3 महीने का क्वेश्चन है, तो आप 12% लेके सॉल्व नहीं करोगे, 12/4 करोगे 3%। 12 महीने का क्वेश्चन है, 6 महीने, 12% है और 6 महीने का क्वेश्चन है तो 6% लेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया, इफ द इंटरेस्ट रेट इज गिवन 12% पर एनम एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, क्वेश्चन इज टू फाइंड 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, तो आपको इंटरेस्ट रेट 3% लेना होगा। कर पाएंगे इतना? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आईआरपीटी इक्वेशन व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ओ ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फिर आ गया, कुछ दिन पहले पढ़ा था, याद आ रहा है कौन से चैप्टर में?
डेरिवेटिव में, हाँ, तो अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो वही करना है जो अभी आपने किया, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अभी एक रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो इस बार कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में फॉर्मूला होगा e टू दी पावर आर डी इंटू टी। ये जो आपने 1+RF लिखा ये भी वही है और ये भी वही है, यहां पर भी एक रुपए का फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर 10% इंटरेस्ट रेट तो 1.10 हो जाता है ना, यहां पर भी अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं और 10% इंटरेस्ट रेट हो तो आपका 1.10 समथिंग आएगा। एक रुपए का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ई टू दी पावर आर टी, याद आ रहा है कि नहीं? सिर्फ मैंने आर डी लिखा है क्योंकि हमें दो इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिए जाएंगे, आर डी एंड आर एफ, अपॉन ई टू दी पावर आर एफ इंटू टी। इंटू टी तब करना जब एक साल का क्वेश्चन नहीं हो, 6 महीने का हो तो 6/12, 2 साल का हो तो इंटू टू, 2 साल का भी क्वेश्चन आ सकता है, इक्वल टू एफ बाई एस। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरह से, बिकॉज ये पावर में आर डी इंटू टी है, यहाँ आर डी आर एफ एम इंटू टी है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली दिस टू विल गिव यू द सेम रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो आप e टू दी पावर आर डी माइनस आर एफ, बिकॉज टी कॉमन हो जाता है, टी इज कॉमन, इंटू टी इक्वल टू एफ बाई एस। क्या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं? नहीं, मैं तो यहां पर ऐसी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आया हूं, सब आते हैं, ठीक है? तो जरूरत पड़ने पे इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे। हाउएवर, अगर क्वेश्चन जब तक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग नहीं बोले तब तक इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है? इसको रहने देना एज इट इज। हम यहां पे दो पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इज आर्बिट्रेज पॉसिबल, तो आर्बिट्रेज इज पॉसिबल इफ द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, जो हमने अभी फर्स्ट पेज पे देखा, इज लेस देन द इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट। हमने फर्स्ट पेज पे एक रेट देखा था 63.46, याद आ रहा है कुछ? और मैंने आपको कहा कि मान लो फॉरवर्ड रेट 63.46 नहीं है, बैंक ने गलती से 62 कोट कर दिया, तो क्या होगा? आर्बिट्रेज होगा। हाँ, कैसे होगा? बोरो इन यूएसए, इन्वेस्ट इन इंडिया, उसको जनरलाइज कैसे करेंगे? बोरो इन फॉरेन कंट्री एंड इन्वेस्ट इन होम कंट्री। फिर से एक बार, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगेगा, आई एम सॉरी। इफ एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इज लेस देन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट, इसलिए तो पहले पेज पे स्टोरी लिख दी थी जिसमें आपका आंसर 63.46 आ रहा था, लेकिन मान लो बैंक ने कोट किया आपको 62, बैंक बोलता है मैं आपको एक साल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 62 में राइट करने के लिए तैयार हूं, उतना एग्री करने को तैयार हूं, तो क्या करेंगे आप? जैसे ही ऐसा मौका मिला सीधे भागते दौड़ते यूएस जाएंगे, वहां से बोरो करेंगे 4% में, और इंडिया में 6-10% पे इन्वेस्ट करेंगे और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेंगे ताकि एक साल के बाद हमें कोई रिस्क भी नहीं है। एक साल के बाद 62 के रेट से आप रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना और थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है? दूसरा जो हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि उसके लिए मुझे पूरा क्वेश्चन चेंज करना पड़ता, कि अगर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, मान लो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट 65 दिया है और आपका इक्विलिब्रियम 63.46 है इन केस ऑफ डायरेक्ट कोट, तो मनी विल फ्लो फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। उस केस में आपको फायदा कब होगा? बोरो इन इंडिया, बोरो इन एंड इन्वेस्ट इन यूएसए, तब आपको फायदा होगा, बोरो इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन यूएसए। तो डायरेक्ट कोट में ये फर्स्ट पेज वाला एग्जांपल ध्यान में रखना, अगर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट कम है, बोरो इन यूएसए, बोरो इन फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन होम कंट्री, और एक्चुअल रेट इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, बोरो इन होम कंट्री एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री, तो आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट होगा। तो अब बोलेंगे इनडायरेक्ट कोट में सर हम क्या करेंगे,
इनडायरेक्ट कोट में इसको रिवर्स कर देना है आपको, इनडायरेक्ट कोट में इसको रिवर्स कर देना है, या फिर पहले उसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करके डायरेक्ट कोट की तरह सोचो, इज इट राइट। अब आपके एग्जाम में ये चैप्टर पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, यूजुअली काफी इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। एक तो होता है आपको मिसिंग फिगर निकालने का, जैसे हमारे फॉर्मूले में चार वेरिएबल है, ये चार वेरिएबल हमारे फॉर्मूले में है, आरडी, आरएफ, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट। वो आपको क्या करेंगे, कोई भी तीन फिगर दे देंगे, ओके, और आपको बोलेंगे चौथा फिगर निकालो। इफ स्पॉट रेट इन इंडिया इज 64, फॉरवर्ड रेट इज 67, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज 10%, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन यूएसए, या इंटरेस्ट रेट यूएसए का दिया, इंडिया का नहीं दिया है, स्पॉट रेट दिया, इंटरेस्ट रेट दोनों का दिया, फॉरवर्ड रेट नहीं दिया है। मेरा सिंपल तरीका क्या है, वो इक्वेशन लिखो और जो भी मिसिंग है उसको फाइंड कर लो। तो चार अलग अलग इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक याद रखो और इक्वेशन लिखो जो मिसिंग है उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, जहां पर आपको इन चार में से कोई तीन वेरिएबल दिए जाएंगे और चौथा मिसिंग होगा। यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है, ये नहीं पूछते हैं, कम पूछते हैं, इसे ज्यादा पूछते हैं, रिसेंट एग्जाम्स में भी पूछा है। आपको इंटरेस्ट रेट दोनों कंट्री का दिया हुआ है, स्पॉट और फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है, तो यानी फाइंड आउट कुछ नहीं करना है, तो फिर आपको बताना है कि आर्बिट्रेज पॉसिबल है कि नहीं, और अगर है तो आप कहां से बोरो करेंगे और कहां से कहां जाकर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू मे बी गिवन क्वेश्चन विद अ बिड आस्क स्प्रेड, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जो आपने एग्जाम्पल पिछले पेज पर डिस्कस किया, वहां पर आपको वन वे कोट दिया हुआ था, कौन सा कोट, वन वे, 60 रुपया सिर्फ दिया हुआ था, लेकिन अगर आपको वो और टेस्ट करना चाहे तो 60.50, 60.70 दे देगा स्पॉट रेट, 62.90, 63.10 दे देगा फॉरवर्ड रेट। अब इसमें आप चारों रेट को यूज नहीं करोगे, कोई भी दो कॉम्बिनेशन होगा, या तो ये कॉम्बिनेशन यूज होगा या ये कॉम्बिनेशन यूज होगा, तो आपको क्या करना है, दो बार सॉल्व करना है, क्या करना है, दो रूट बनेंगे, इंडिया में बोरो करेंगे, यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, यूएस में बोरो करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, और देखना कहां पे आर्बिट्रेज हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही जगह आर्बिट्रेज पॉसिबल हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, एक जगह हो, जो भी है वो आपको रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो यू मे बी क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन विद बिड आस्क स्प्रेड इन द फॉरेक्स मार्केट एंड बोरिंग एंड लेंडिंग इन मनी मार्केट, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको एक इंटरेस्ट रेट भी नहीं देंगे, दो इंटरेस्ट रेट देंगे, कौन से दो इंटरेस्ट रेट, बोरिंग रेट, लेंडिंग रेट। अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक ही इंटरेस्ट रेट था 4%, 10%, लेकिन क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बोरिंग रेट और लेंडिंग रेट एक नहीं हो सकता। तो आपको देंगे बोरिंग रेट, यूएसए में बोरिंग रेट है 3% और लेंडिंग रेट है 1%, बोरो करोगे तो 3% लगेगा, लेंड करोगे तो आपको 1% मिलेगा, और इंडिया में बोरो करोगे 18%, लेंड करोगे 6%। तो उस केस में आपको कैलकुलेशन करते समय जब आप लिखोगे बोरो इन इंडिया इन्वेस्ट इन यूएसए, तो 18 और 1 का कॉम्बिनेशन वाला इंटरेस्ट रेट लगेगा, और आप लिखोगे बोरो इन यूएसए इन्वेस्ट इन इंडिया, तो 6% इंडिया में इन्वेस्ट करोगे और वहां से 3% पे बोरो करोगे, तो आपका पूरा कैलकुलेशन उसके हिसाब से बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, इज इट राइट। दोनों कंट्री का बोरिंग लेंडिंग रेट भी दिया हो सकता है, बिड रेट आस्क रेट भी दिया होगा, तो वैसे क्वेश्चन को हम दो बार सॉल्व करेंगे, एक बार पाथ वन बोरो इन फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन होम कंट्री, दूसरा बोरो इन होम कंट्री एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री। तो अब मैंने एक और टेबल बनाया है आपको जागृत रखने के लिए,
लिखना होगा। ओके, जरा इसको ध्यान से समझना। अगर ये वाला टेबल समझ में आ गया और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो एग्जाम में वो जो क्वेश्चन आता है ना, वेयर विल यू बोरो फ्रॉम एंड वेयर विल यू इन्वेस्ट, वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इज इट राइट? वेयर विल यू बोरो फ्रॉम एंड वेयर विल यू इन्वेस्ट। तो पहले कॉलम की हेडिंग समझो, रिलेशनशिप, इज आर्बिट्रेज पॉसिबल, मनी विल फ्लो फ्रॉम, मनी विल फ्लो टू। पैसा कहां से हम बोरो करेंगे और पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे। इज इट राइट? तो पहले आप सोचना चाहते होंगे कि नोशनल इंटरेस्ट क्या होता है। इसको हम बोलेंगे टाइप टू प्रॉब्लम। टाइप टू यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कहां बोरो है और कहां इन्वेस्ट है। नोशनल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट दिया हुआ है, आरडी आरएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी कंट्री में आरडी कितना होना चाहिए, यानी ये वाला आरडी होना कितना चाहिए वो निकालेंगे। अभी ये जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन ने दिया है, होना कितना चाहिए कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं आए। ओके, तो आरडी आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके। समझने पे थोड़ी ज्यादा कोशिश करेंगे, क्वेश्चन का एफ लेंगे, क्वेश्चन का एस लेंगे, क्वेश्चन का आरएफ लेंगे और हम आरडी फाइंड आउट करेंगे ताकि इक्वेशन मैच हो जाए। निकाल लिया आपने आरडी, दैट इज कॉल्ड नोशनल इंटरेस्ट रेट। उसको जो क्वेश्चन में जो आरडी दिया हुआ है उसके साथ कंपेयर करेंगे। हम आरडी खुद निकालेंगे, क्वेश्चन के आरडी से कंपेयर करेंगे। तीन बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी तीन बातें हो सकती हैं? कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक कंट्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इज लोअर देन द नोशनल इंटरेस्ट रेट वी हैव कंप्यूटेड, यानी जितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए उससे कम है, तो आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। लिखो यस, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक कंट्रीज लेस देन नोशनल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मान लो होना चाहिए था 14% लेकिन है 10%। ओके, कम दे रही है आपकी सरकार आपको, भागो। ठीक है, बोरो फ्रॉम होम कंट्री एंड इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री, मनी विल फ्लो फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। मिलना चाहिए था 14, सरकार दे रही है 10। यहां से बोरो करो, वहां इन्वेस्ट करो। रिवर्स लिखना, पॉइंट नंबर टू, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन डोमेस्टिक कंट्री इज मोर देन नोशनल इंटरेस्ट रेट। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 10 है, नोशनल होना चाहिए 6.5। कैलकुलेशन बता रहा है कि इंडिया में 6.5% इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आर्बिट्रेज ना हो, लेकिन मार्केट में 10% में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो फॉरेनर जैसे देखेगा, अरे इस कंट्री में तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। बोरो फ्रॉम फॉरेन कंट्री, इन्वेस्ट इन होम कंट्री, पैसा आएगा। 6.5 की जगह 10 मिल रहा है अपने यहां पे, तो बाहर से लोग यहां पैसा लगाएंगे। और लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गया, केस 3 लिखना, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नोशनल इंटरेस्ट रेट, नो आर्बिट्रेज, खेल खत्म। इज इट राइट? तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई किया है। पहले मैं उसका आरडी निकाल लेता हूं अपने फॉर्मूले से। अगर वो आरडी मैच ही हो गया वहां पे, जो क्वेश्चन में आरडी दिया हुआ है वहीं की वहीं क्वेश्चन खत्म कर दो उसको, बाय राइटिंग अ नोट, नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। और अगर आरडी डिफरेंट आया जो क्वेश्चन के आरडी को से कंपेयर करूं, तो मतलब आर्बिट्रेज पॉसिबल है, उस केस में क्या करेंगे, आर्बिट्रेज। और आर्बिट्रेज कैसे करना वो भी मैंने लिख दिया यहां पे,
अगर डोमेस्टिक कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम है, बोरो इन होम इन्वेस्ट इन फॉरेन, डोमेस्टिक कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बोरो अब्रॉड एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, तो गलती तो हो ही नहीं सकती यहां पे। वन वे कोर्ट वाले क्वेश्चन में तो गलती हो ही नहीं सकती, उसके बाद भी अगर कोई गलती करे तो किसी विशेष टैलेंट का वो प्राणी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लॉजिक बिहाइंड आईआरपीटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। क्वेश्चन में लिखा रहता है डज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एग्जिस्ट, जैसा भी मैंने ऊपर बताया, चेक करना है, या तो आप एक्चुअल रेट को इक्विलिब्रियम रेट के साथ कंपेयर कर सकते हो, जो ऊपर वाले टेबल में लिखा था, अगर एक्चुअल रेट कम है इक्विलिब्रियम रेट से, फॉरेन कंट्री से इंडिया में पैसा आएगा, और अगर एक्चुअल रेट ज्यादा है तो इंडिया से फॉरेन कंट्री में पैसा जाएगा, एक वो तरीका है, और एक है नोशनल इंटरेस्ट रेट तरीका। इन अदर वर्ड्स, व्हेन आईआरपीटी इज नॉट एप्लीकेबल, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल अराइज। ओके, दो कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है तो उनका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल शुड बी इक्वल टू देयर एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल, एंड इफ इट डज नॉट हैपन, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी विल अराइज, एंड दैट इज कॉल्ड कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैंने यहां पर स्टूडेंट को क्या लिखना है एग्जाम में वो यहां पर स्टेप बाय स्टेप समराइज कर दिया है। हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज है या नहीं, इसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए। एक तो आप एक्चुअल फॉरवर्ड रेट को इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट से कंपेयर करो, अगर डिफरेंट है तो आर्बिट्रेज, या एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को नोशनल इंटरेस्ट से कंपेयर करो, अगर डिफरेंस है तो है आर्बिट्रेज, बराबर। एक बार ये प्रूव हो गया कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है, तो क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ये भी पूछती है, परफॉर्म द नेसेसरी स्टेप्स टू कैलकुलेट द आर्बिट्रेज गेन, ओके, या एग्जीक्यूट द आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी। तो हमें क्या करना है, टोटल 8 स्टेप है, 4 स्टेप आज परफॉर्म करने हैं, डे 1 के दिन जैसी दिखा आर्बिट्रेज है, ये 4 एक्शन लेने हैं आपको, और बाकी 4 एक्शन अपने आप ही मैच्योरिटी डेट वाले दिन लेने हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो है उसको लिखना है टुडे, एंड 5, 6, 7, 8 जो है उसको लिखना है ऑन मैच्योरिटी। फर्स्ट है बोरो फ्रॉम द कंट्री फ्रॉम वेयर द मनी विल फ्लो आउट, बोरो फ्रॉम दैट कंट्री फ्रॉम वेयर द मनी विल फ्लो आउट। उसके लिए दो तरीके मैंने ऑलरेडी बता दिए, या तो आप एक्चुअल रेट को इक्विलिब्रियम रेट के साथ कंपेयर कर सकते हो, या एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को नोशनल इंटरेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, और उस टेबल में लिखा हुआ कब आप कहां से बोरो करेंगे वो स्टेप फॉलो करके आपको पता चल गया कब कहां से बोरो कर रहे हो। तो आपका जो पहला स्टेप बताएगा कहां से बोरो कर रहे हो, वहां बोरो करो, इंडिया से बोरो करो या यूएस से बोरो करो। बोरो करने के बाद अगर आप यूएस में बोरो करते हैं तो उसको रूपी में कन्वर्ट करना है, रूपी में बोरो करते हैं तो डॉलर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द बोरोड अमाउंट इनटू द अदर करेंसी यूजिंग स्पॉट रेट, यूजिंग स्पॉट रेट, अभी के अभी आपको वहां पैसा भेजना है, उसके बाद वो जो अमाउंट मिलेगा आपको, इन्वेस्ट द अमाउंट कंप्यूटेड इन स्टेप टू एंड स्टेप फोर, इमीडिएटली टेक अ फॉरवर्ड कवर ऑल्सो, फॉरवर्ड रेट अवेलेबल है ना, बैंक आपको बोल रही है कि एक साल के बाद 62 रुपीज पर डॉलर में आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दो, उसके बाद सो जाना, एक साल बाद उठना। हाँ जी, कुंभकर्ण वो क्या है, हाँ तो मैं तो एक साल बोल रहा हूं, दो कुंभकर्ण। अच्छा छोड़ो, आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 5, अब एक साल बाद क्या करेंगे, जहां आपने इन्वेस्ट किया था, हमारे एग्जांपल में इंडिया में इन्वेस्ट किया था, याद है वो क्वेश्चन, वहां से उसको आप इन्वेस्टमेंट को विथ इंटरेस्ट रियलाइज कर लो, उसके बाद क्या करेंगे, उसको वापस जहां से आपने बोरो किया था उस कंट्री की करेंसी में
कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए कौन सा रेट यूज करेंगे? फॉरवर्ड रेट जो ऑलरेडी आपने डे वन में लॉक कर दिया है बैंक के साथ। उसके बाद रिपे द अमाउंट बोरोड इन स्टेप वन, ये जो अमाउंट आपने बोरो किया इसको यहां पे रिपे करना है अलॉन्ग विथ वट एवर इंटरेस्ट रेट। अब आपको यहां पर तो अमाउंट मिला और यहां आपने उसमें से जो पेमेंट करना था पे कर दिया। यहां हमें अमाउंट मिला मान लो $1,062 और यहां मुझे पे करना है $1,040। तो अगर कुछ डिफरेंस आएगा ही, क्योंकि आपने पहले चेक किया है कि आर्बिट्रेज है या नहीं। बगैर चेक किए करोगे इतनी मेहनत हो जाएगी और बाद में आंसर जीरो आएगा, तो इसलिए पहले चेक कर लेंगे हम, ठीक है, कि आर्बिट्रेज है या नहीं। एंड इफ देयर इज एन आर्बिट्रेज गेन द डिफरेंस बिटवीन स्टेप नंबर 6 एंड स्टेप नंबर 7 विल बी योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो पहला स्टेप क्या है? बोरो। दूसरा कन्वर्ट। तीसरा इन्वेस्ट। चौथा एक फॉर्ड कवर। ये चारों कब परफॉर्म करना है? आज। और मैच्योरिटी के दिन रियलाइज द इन्वेस्टमेंट, रिकन्वर्ट, रीपे द अमाउंट बोरोड एंड कंप्यूट द आर्बिट्रेज गेन डिफरेंस बिटवीन 6 एंड 7। तो ये बहुत ही लंबी कहानी थी आर्बिट्रेज की, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम एंड आर्बिट्रेज। अब हम जल्दी से इसकी एप्लीकेशन सीखते हैं। तो ये तो एक बार आपका लॉजिकल बैकग्राउंड एक बार स्ट्रांग हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, कब कौन सा रेट यूज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, स्वैप पॉइंट दिया है तो फॉरवर्ड रेट कैसे निकालना है, ये सब हमने सीख लिया। क्रॉस रेट कैसे यूज करना है, वो नॉलेज अब यहां पे काम आएगा किसी किसी क्वेश्चन में। चलिए खेल जारी रखते हैं। द सिक्स मंथ इंटरेस्ट रेट एनुअलाइज्ड, एनुअलाइज्ड मतलब पर एनम है, इन इटली एंड फ्रांस इज 13% एंड 11% रेस्पेक्टिवली। इटली एंड फ्रांस 13% इटली में है और 11% फ्रांस में है। करंट एक्सचेंज रेट इज स्पॉट रेट लीरा 296.10 पर FF। सिक्स मंथ फॉरवर्ड रेट इज लीरा 297.80 पर FF। यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दोनों कंट्री का, स्पॉट रेट दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। लीरा कौन सी कंट्री की करेंसी है? इटली। और फ्रेंच फ्रैंक कौन सी कंट्री की करेंसी है? फ्रांस। वो भी पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है ये आपको उसके हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। वेयर शुड अ फ्रेंच इन्वेस्टर इन्वेस्ट, ऐसे देख के नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको नोशनल इंटरेस्ट रेट निकालना होगा, उसके लिए आपको नोशनल इंटरेस्ट रेट निकालना होगा। वेयर शुड ही बोरो फ्रॉम, अगर ये क्वेश्चन सही हो गया तो ये सही हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन है। अगर फ्रांस में बोरो करेंगे तो इटली में इन्वेस्ट करेंगे, और इटली में बोरो करेंगे तो फ्रांस में इन्वेस्ट करेंगे, क्या मजाक है। इज देयर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर, अरे नालायक, ये क्वेश्चन यहां होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन का सीक्वेंस उन्होंने गलती दिया है ताकि स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। व्हाट शुड बी द फॉरवर्ड रेट सो दैट देयर इज नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, ओके। व्हाट शुड बी दैट फॉरवर्ड रेट सो दैट देयर इज नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, उसके लिए हम अपने फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। हमारे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो जो फॉरवर्ड रेट आएगा That is a no arbitrage forward rate, है कि नहीं। तो क्या करें, क्लास वर्क दे दें या होमवर्क दे दें? क्लास वर्क। तो आपको क्या करना है, पहले हम अज्यूम करेंगे कुछ। लेट अस अज्यूम फ्रांस इज होम कंट्री, देखो लेट अस अज्यूम फ्रांस इज होम कंट्री। Let us assume France is home country.
therefore the given quote is an indirect quote in France. Therefore the given quote is an indirect quote in France. दो लाइन वापस डिक्टेट कराता हूं. लेट अस अज्यूम फ्रांस इज होम कंट्री. देयरफॉर द गिवन कोट इज इनडायरेक्ट कोट इन फ्रांस. डू यू एग्री? लीरा पर एफएफ फ्रांस में इनडायरेक्ट कोट होगा. क्या सर हम इटली अज्यूम कर सकते हैं? मोस्ट वेलकम. आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ऊपर नीचे हो जाएगा तो आंसर वही हो जाता है फिर से. कोई बात नहीं. तो अब आप लिखना कि कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूजिंग आईआरपीटी. अब क्या करना, समय अभी कम है क्लास में, तो आप जहां जहां मैं इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम बोलता हूं आप आईआरपीटी लिख सकते हैं. लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना. तुम कम लिखोगे वो भी कम लिखेंगे. तो इनडायरेक्ट कोट में इक्वेशन क्या होता है? 1+RD/1+RF=S/F. अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो F/D. नहीं चाहिए तो छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. F/D indicates indirect cot, D/F indicates direct cot. सॉल्व करना है आपको. उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेटा लिखवा दूं कि इस क्वेश्चन में RD का मतलब क्या है. एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने के बाद RD, RF, S और F इनके मीनिंग नीचे लिखने हैं. RD का मतलब है इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस, क्योंकि आपने फ्रांस को होम कंट्री अज्यूम किया है 11%. RF is equal to interest rate in Italy. SF/D मतलब spot rate under indirect quote. Spot rate 296.10. F लिखना था. FFD या सिर्फ F लिखो कोई बात नहीं. इस फॉरवर्ड रेट अंडर इनडायरेक्ट कोट ? एक बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो सॉल्व करने में मजा आता है कि नहीं? अब यहां पर हम इसे निकाल रहे हैं, कितना होना चाहिए. सॉल्व करना उसके नीचे. 1 प्लस ब्रैकेट में रखना 0.11 × 6/12. व्हाट इज 0.11 × 6/12? 6 महीने का क्वेश्चन है ना, तो 11% तो पर एनम है, एनुअलाइज्ड है, पर एनम है. × 6/12 upon 1 plus 0.13 × 6/12 = 296.10/F. सॉल्व करने की कोशिश करें. हाँ जी, सब कोई इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए ना. क्या आया आंसर? 298.9066. और एग्जाम में क्या करना, हमेशा ये यूनिट लिखना. लीरा 298.9066 पर
FF. तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आप देखोगे कि ये जो रेट आपने निकाला है और ये जो रेट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 297.80 और आपने कैलकुलेट किया 298.9066, तो रेट डिफरेंट है, इज इट राइट? सो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होती है। ये सबने लिख लिया, अभी लिखना कैलकुलेशन ऑफ नोशनल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस, कैलकुलेशन ऑफ नोशनल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस, कैलकुलेशन ऑफ नोशनल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस। सब मेरे साथ हैं, कैलकुलेशन ऑफ नोशनल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस। तो मैं चेक करना चाहता हूं पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा। अब लिखना इक्वेशन एज पर आईआरपीटी, फिर से एक बार लिखना एज पर, ऊपर मत देखो हेडिंग, जो मैं लिख रहा हूं वो देखो यहां से, एज पर आईआरपीटी 1+RD अपॉन 1+RF इज इक्वल टू एस अपॉन एफ। अब मैं क्या निकालने वाला हूं यहां पर, आरडी की वैल्यू, आरडी की वैल्यू नीचे लिखना मेरे साथ साथ, 1+RD × 6/12 अपॉन 1+RF, आरएफ कितना है, आरएफ बोलो ना कितना है, 13 है, इटली का रेट 13 है ना, इक्वल टू 6/12। स्पॉट रेट इज 296.10, फॉरवर्ड रेट इज 297.80, ओके 297.80। अब आप ये हो जाएगा 1+0.5RD, ये हो जाएगा 1.065 और ये 296.10 डिवाइड बाय 297.80। सॉल्व कर लो इसको जैसे भी आपको ठीक लगे। सो व्हाट इज योर आंसर, इलेवन पॉइंट 78 बहुत है मैडम, अपने को कौन सा चांद पे रॉकेट लॉन्च करना है, 11.78% है, सिर्फ उसको 11 के साथ कंपेयर करना है कि 11 से कम है या 11 से ज्यादा है, इज इट राइट? यहां पर आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, 11 पॉइंट थोड़ा भी ऊपर आ गया तो आपका काम हो गया। तो ये है नोशनल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस, ये है नोशनल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस, और व्हाट इज एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस, एक्चुअल रेट इन फ्रांस, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन फ्रांस बोलो जी, 11%। अब मैंने आपको एक टेबल डिक्टेट करवाया था, याद होगा तो पिछले पेज में एक टेबल डिक्टेट करवाया था, उस टेबल को आप देखो, फ्रांस आपका होम कंट्री है, फ्रांस में इंटरेस्ट रेट है 11, होना चाहिए था 11.78 ताकि आर्बिट्रेज ना हो, लेकिन है 11, तो आप सिचुएशन वन में फंस रहे हैं कि सेकंड में, फर्स्ट में, एक्चुअल रेट इज लोअर देन नोशनल रेट। तो पैसा यहां से बोरो करो और इटली में इन्वेस्ट करो। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, वेयर शुड अ फ्रेंच इन्वेस्टर इन्वेस्ट, अब उसका लिखो आंसर, द फ्रेंच इन्वेस्टर शुड बोरो फ्रॉम फ्रांस, एक साथ दो आंसर कर रहे हैं, द फ्रेंच इन्वेस्टर शुड बोरो फ्रॉम फ्रांस एंड इन्वेस्ट इन इटली, द फ्रेंच इन्वेस्टर शुड बोरो फ्रॉम फ्रांस एंड इन्वेस्ट इन इटली, ओके। तो आपके तीनों आंसर हो गए, वेयर शुड अ फ्रेंच इन्वेस्टर इन्वेस्ट, इटली, वेयर शुड ही बोरो फ्रॉम फ्रांस, इज देयर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, यस।
अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर आप फ्रांस में बोरो करेंगे और इटली में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा. इज इट राइट? सो लिखना प्रूफ. प्रूफ प्रूफ यहां से लिखना स्टार्ट करना है. लेट अस अज्यूम फ्रेंच इन्वेस्टर borrows one thousand या 100 या 1 lakh, ऐसा कोई एक नंबर ले लो आप. सो लेट अस अज्यूम फ्रेंच इन्वेस्टर borrows 1000 FF एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, क्योंकि अभी फ्रांस में एक्चुअल रेट 11% है. देन इन्वेस्ट के पहले कन्वर्ट 1000 FF इंटू लीरा. कन्वर्ट 1000 FF इंटू लीरा एट स्पॉट रेट. तो बताइए 1000 रेट भी FF में है, करेंसी भी FF है, तो मल्टीप्लाई होगा स्पॉट रेट से. 296.10 कितना मिलेगा? 100 लीरा मिलेगा. इन्वेस्ट इन इटली लीरा 296.100 फॉर 6 months एट द रेट ऑफ 13% पर एनम. इन्वेस्ट इन इटली लीरा 296.100 फॉर 6 months एट 13% पर एनम. ओके, नाउ राइट डाउन. टेक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, टेक अ 6 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर दो. टेक अ 6 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट लीरा 297.80 पर FF. आज ये 4 step परफॉर्म करना था, हमने कर दिया. बोरो किया, कन्वर्ट किया, इन्वेस्ट किया, 6 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया. फिर लिखना, अब चाहो तो उसको स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 कर दो. 5 लिखना, रियलाइज इन्वेस्टमेंट. तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 296.100 और वहां पे इंटरेस्ट रेट है 13%, तो 6 महीने के लिए इंटू 1.065 6.5% मिलेगा ना. तो डायरेक्टली आंसर लाना है कम समय में, तो इंटू 1.065 कर दो. क्या आएगा आंसर? ये 1.065 समझ में आया? 6.5% हम ऐड कर रहे हैं. 315 लीरा. अब रीकन्वर्ट, ये जो लीरा आपको मिलेगा, रीकन्वर्ट लीरा इंटू FF. सो 315347 डिवाइड बाय फॉरवर्ड रेट 297.80 डिवाइड बाय फॉरवर्ड रेट 297.80 1058 92 FF 7 रीपे FF बोरिंग. रीपे FF बोरिंग. रीपे FF बोरिंग. FF बोरिंग विल बी 1000 आपने बोरो किया था इंटू 1.055 क्या है? विथ इंटरेस्ट 11% साल भर का है, तो 6 महीने का 5.5% होगा, तो इंटू 1.055 तो स्टेप नंबर 8 होगा आर्बिट्रेज गेन.
आर्बिट्रेज दोनों का डिफरेंस बताना, 3.92 FF, तो 1000 FF में इतने का फायदा होगा, तो 1000 क्यों कर रहे हो, लाख करो और फायदा होगा, इज इट राइट? एक आदमी नहीं करेगा, फिर सभी करेंगे। फ्री का फोकट, फोकट में आपको फायदा हो रहा है ना, इधर बोरो करो, उधर इन्वेस्ट करो, फोकट में कमाओ, सभी लोग ये करेंगे तो फ्रांस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इटली में इंटरेस्ट रेट घटेगा, और स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट भी चेंज होंगे आपस में, तो दैट लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल स्टार्ट अप्लाइंग ऑन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट एंड इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर वन। तो बहुत सारे क्वेश्चन अब हम आगे करने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर टू देखना, कितनी बार आ चुका एग्जाम में, May 2006, November 2010 और उसके बाद भी आया है, और कई बार तो ये सेम फिगर्स भी आता है। होमवर्क नहीं, तुम लोगों के ऊपर अगर मैं भरोसा रखूं तब तो क्या बात थी। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है यहां पे कैनेडियन डॉलर 0.665 पर डीएम स्पॉट, यानी दो करेंसी इस बार क्या है, कैनेडियन डॉलर है और डीएम ड्यूश मार्क, करेंसी ऑफ जर्मनी बिफोर दे अडॉप्टेड यूरो। ओके, अभी भी क्वेश्चन में डीएम आता है, सॉल्व करके आ जाना, ठीक है? वहां बैठ के मत लिखना दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, हेंस आई रिफ्यूज टू आंसर अ रॉन्ग क्वेश्चन, काइंडली गिव मी फुल मार्क्स। सीए कम अगेन। ओके, कैनेडियन डॉलर का फॉरवर्ड रेट है 3 महीने का 0.670 पर डीएम, और दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, 7% डीएम मतलब जर्मनी और 9% कैनेडा। व्हाट ऑपरेशन वुड बी कैरिड आउट टू टेक द पॉसिबल आर्बिट्रेज गेन्स, जो अभी हमने 8 स्टेप फॉलो किए थे वही करना, लेकिन अब यहां पर पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि बोरो कहां से करना है और इन्वेस्ट कहां करना है, तो आपके स्टेप अपने आप सही हो जाएंगे। एक बार वो चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली तो ये क्वेश्चन एक बार 8 मार्क के लिए और बाकी बार सिर्फ 4 या 5 मार्क के लिए आया है, तो क्या करें, किस कंट्री को अपनी होम कंट्री माने, कनाडा को या जर्मनी को? देखो मेरे को सोचने दो, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। कनाडा, हाँ कनाडा इज होम कंट्री। उसका कारण अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, कनाडा को मैं होम कंट्री अज्यूम करूंगा तो द गिवन कोर्ट विल बिकम डायरेक्ट कोर्ट। डायरेक्ट कोर्ट से सॉल्व करना मेंटली हमारे लिए इजी है, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यूएस में पूरी कंट्री राइट साइड में ड्राइविंग करती है, यूके में लेफ्ट साइड, हम बीच में, सबका अपना अपना सिस्टम है, चल रहा है कि नहीं, बीच में नहीं चलाते हम लोग। सारी बहादुरी हमारी रोड पे दिखती है। अज्यूम कैनेडा इज होम कंट्री, पहले हम नोशनल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा ट्रिक बहुत अच्छे से काम आता है। कैलकुलेट नोशनल इंटरेस्ट इन कैनेडा, कैलकुलेट नोशनल इंटरेस्ट इन कैनेडा, फॉर्मूला लिखना 1 plus RD into 3 by 12 upon 1 plus RF into 3 by 12, ये हो गया आपका डायरेक्ट कोट का फॉर्मूला, इक्वल टू एफ बाई एस। कुछ बच्चे बोलेंगे पिछली बार तो आपने एस बाई एफ लिखा था, इस बार एफ बाई एस, ये क्या मजाक है, सिंस डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में ये फॉर्मूला यूज करना, मैंने आज आपको स्टार्ट में प्रूफ करके दिखा दिया, वो जो पहले पेज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहां पर हमने प्रूफ किया ना ये फॉर्मूला काम आ रहा है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, समझो आरडी निकालना है, तो मैं आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा के दूंगा, 1 plus RD into 0.25, 3 by 12 यानी 0.25 अपॉन 1 plus जर्मनी में इंटरेस्ट रेट देखना 7% है,
0.07 into 0.25 equal to 0.670 upon 0.665. बोलो जी, फाइनल आंसर मेरे हिसाब से 10.06% आ रहा है और जो मैंने लिखा वो सही है। पिछले बैच में टेस्ट कर चुका हूं इसको। आया ब्रैकेट में लिखना नोशनल इंटरेस्ट रेट, ऑलरेडी ऊपर हेडिंग लिखा है, कोई बात नहीं। ये इतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए नोशनल इंटरेस्ट इन कैनेडा, कैनेडा में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, लेकिन है कितना? 9%। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन कैनेडा स्टेप टू लिखना 9%। तो यहां 9 है, होना चाहिए 10.06। बोरो कहां करेंगे और इन्वेस्ट कहां करेंगे वो टेबल देख के बताना। कैनेडा कम दे रहा है ना इंटरेस्ट, तो वहां बोरो करो, जहां कम रेट में मिलता है वहां बोरो करो। सीधी सीधी कॉमन सेंस है ना, जहां पे कम रेट में पैसा मिल रहा है वहां पे बोरो करो और जहां ज्यादा रेट में मिल रहा है वहां इन्वेस्ट करो। कम रेट में बोरो करना चाहिए और ज्यादा रेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो स्टेप 3 लिखेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज लेस देन नोशनल इंटरेस्ट रेट। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज लेस देन नोशनल इंटरेस्ट रेट, देयरफॉर मनी विल फ्लो आउट ऑफ कैनेडा। Money will flow out of Canada. या ऐसे भी लिख सकते हैं, borrow from Canada and invest in Germany. Is it right? आपको मेरे वर्ड्स यूज करना कंपलसरी नहीं है, एक मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कहां borrow करना चाहिए और कहां invest। और आप देखेंगे अगले फोर्थ स्टेप में कि आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। चलिए अब नीचे लिखना स्टेप 4, आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी। तो अब हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे कनाडा में, इन्वेस्ट करेंगे जर्मनी में। तो आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी फर्स्ट लिखना स्टेप 1, बोरो CAD, ऐसे लिख सकते हैं आप CAD, बोरो CAD 1000 एट 9% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। यानी हमने प्रिंसिपल भी लिख दिया, रेट भी लिख दिया, टाइम भी लिख दिया, तो डिटेलिंग इसको कहते हैं, ठीक है। यू हैव टू राइट इन डिटेल। अब 1000 सर कहां से आया, हमें तो नहीं दिख रहा है। अजम्पशन 1000 ही क्यों, अजम्पशन है ना। तुमको 10,000 लेना तुम 10,000 ले लो, आगे के सारे कैलकुलेशन फिर तुम खुद ही संभालना, ठीक है। और मेरे साथ साथ कॉपी करना है तो 1000 लेना होगा। बोलो क्या करेंगे, कॉपी? हाँ 1000 ले लो फिर। कन्वर्ट CAD 1000 इंटू DM, कन्वर्ट CAD 1000 इंटू DM एट स्पॉट रेट। कन्वर्ट CAD 1000 इंटू DM एट द स्पॉट रेट, लिखा 1000 डिवाइड बाई 0.665। सो 1000 डिवाइड बाई 0.665 कितना आया? अब आपने डिवाइड क्यों किया वो आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। एक चैप्टर प्रैक्टिस किया हमने इसके ऊपर, आपको रेट दिया हुआ है पर DM और आपने लिखा है कैनेडियन डॉलर 1000। तो अगर करेंसी है 1000 DM में और रेट दिया है पर, करेंसी 1000 CAD में, रेट है पर DM, तो डिवाइड होगा कितना आपको DM मिलेगा, 1503.7 DM। अब इस चैप्टर में हम डिवाइड और मल्टीप्लाई पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। डॉलर डॉलर मल्टीप्लाई, पाउंड पाउंड मल्टीप्लाई, लेकिन अगर अलग अलग है तो डिवाइड। अब लिखना है स्टेप नंबर 3, इसके नीचे स्टेप 4 का थर्ड सब स्टेप,
invest DM1503.7 for 3 months at 7% per annum. At 7% per annum. Is it right? Amount received in DM after 3 months. Amount received in DM after 3 months. Amount received in DM after 3 months. कितना डीएम में इंटरेस्ट रेट कितना है? 7%. तो दो तरह से आप आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये ब्रैकेट में इंटरेस्ट हो गया, या फिर 7% डिवाइड बाय 4 करो कैलकुलेटर पे. कितना आता 7% बाय 4? 1.75. तो ये नंबर लेना है और इस तरह से लिखना है एग्जाम में, ताकि आपका समय बच जाए. 1. कितना बोला आपने? 75. 1.75% को कैसे लिखेंगे? 1.0175. तो भी आपका आंसर मैच हो जाएगा. अगर एक बार ये समझ में आ गया तो जल्दी होता है. लेकिन क्या है, पूरे हिंदुस्तान का मुझे ख्याल रखना पड़ता है. ये अगर मैंने लिख दिया होता तो 100 क्वेरी रिप्लाई करने के लिए मेरे को रेडी रहना पड़ेगा. फिर सर कैसे आया, सर कैसे आया, पैसे वापस करो. ओके, कुछ लोग तो रिफंड मांगने ऑफिस तक आ जाते हैं. इसलिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखा. बचपन में तो प्रिंसिपल रेट और टाइम का फॉर्मूला सिखाया जाता है ना, बस. लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है. अगर वो समझ में आ गया हो तो वैसे लिख लो. कितना मिलेगा? 1530. उसके बाद अब इस डीएम को हम कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे फॉरवर्ड रेट से. रीकन्वर्ट डीएम इनटू कैनेडियन डॉलर एट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट. पूरा लिखना, पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इतना अगर आप डिटेल में लिखोगे तो. रीकन्वर्ट डीएम इनटू कैनेडियन डॉलर एट 3 मंथ फॉरवर्ड रेट. अब आपके पास डीएम है और रेट भी पर डीएम दिया हुआ है. देखो 0.670 पर डीएम. कोई बता पाएगा कितने कैनेडियन डॉलर मिलेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना. डीएम करेंसी है और डीएम का ही रेट दिया हुआ है, ठीक है. तो आपको मिलेगा 1025 CAD. इज इट राइट? 1025.1 CAD. इज इट राइट? और पॉइंट नंबर 6, रीपे द कैनेडियन डॉलर बोरिंग अलोंग विथ इंटरेस्ट. ये आपने ऊपर $1000 बोरो किया था 9% 3 महीने के लिए. तो आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट की तरह से लिखना है तो इस तरह से लिख लो, और अगर सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं लिखना है तो इंटू 1. क्या होगा? 0225. 9% डिवाइड बाई 4, 2.25% होता है ना. या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जिसको जो समझ में आ जाए. मैं कोशिश करता हूँ हर तरह से आपको लिखवा दूँ. हर एक की एरिथमेटिकल स्किल अलग अलग होती है. तो जरा आंसर चेक करना, 1022.50 आ रहा है क्या? 1022.50 आ रहा है क्या? बहुत ही अच्छे विचार. आपके पास है यहाँ पे 1025, यहाँ आपने रिपे किया 1022. क्या कुछ फायदा हुआ? क्या कुछ फायदा हुआ? कितने का फायदा हुआ? हाँ, आर्बिट्रेज गेन इज इक्वल टू 1025.1 माइनस 1022.50, 2.60 कैनेडियन डॉलर का फायदा हो गया. तो देखो कितने अच्छे से डिटेल में सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं. लॉजिकली आंसर फ्लो हो रहा है. पेपर चेक करने वाले का काम भी एकदम इजी हो जाता है, वो फटाफट ऐसे मार्क्स देता जाएगा. कुछ कुछ बुक्स में उन्होंने क्या किया, एक ही साथ सारा प्लस माइनस जितना हो सकता था कर दिया. पहले 1000 डिवाइड बाय 0.665 करेंगे, फिर उसके बाजू में लिखेंगे इंटू 1.0175,
फिर उसके बाजू में लिखेंगे इंटू 0.067, फिर उसके नीचे लिखेंगे इंटू 1.0225, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये तो सिर्फ तुम ही समझ पाओगे ना, पेपर चेकर को भी तो समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आपको धीरे धीरे हैबिट हो गई ना, तो आप जल्दी कर पाओगे, लर्निंग कर्व इफेक्ट देखना आपको लगेगा। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क के लिए आया है और रिपीट होता रहता है, सब एक जैसे ही है। स्पॉट रेट 1 USD इक्वल टू 48.0123, 180 डेज फॉरवर्ड रेट, इंटरेस्ट रेट इन इंडिया 12% पर एनम, एनुअलाइज लिखा हुआ है यानी पर एनम, एनुअलाइज USA 6%, 8%, इज देयर एनी आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी? If yes, how an arbitrager can take advantage of this situation if he is willing to borrow either ₹40 lakh or $83,312? इस बार आप ₹1,000 या $1,000 assume मत करना। अगर आपको लगता है US में borrow करना है तो $83,312 borrow करेंगे, और अगर आपको लगता है इंडिया में borrow करना है तो 40 लाख borrow करके एंड तक जाना है आपको। ऐसा क्यों देती है इंस्टीट्यूट? पेपर चेकर का काम थोड़ा आसान हो जाता है ना, तो हर व्यक्ति अलग अलग अजम्पशन लेके सॉल्व करेगा, वो बेचारा कैलकुलेटर लेके बैठ के चेक करता रहेगा। ठीक है, आप तो फिर भी 1000 अज्यूम करते हैं, कोई कोई महारथी 777 अज्यूम करके स्टार्ट करता है। नहीं, मैंने एक बार किया था MCOM की एग्जाम में, मैं सोचा इसको भी थोड़ा परेशान किया जाए। तो कौन सी कंट्री आप होम कंट्री अज्यूम करना चाहते हैं? इंडिया, क्योंकि मुझे पता था MCOM में चाहे कुछ भी कर ले मुझे फेल तो नहीं कर सकते। इतना तो मुझे उनके ऊपर भरोसा था। ठीक है, थोड़ा गणित में होशियार होना चाहिए, बहुत मजा आता है लाइफ में। होम कंट्री को आप अज्यूम करो इंडिया, अज्यूम क्या करना है, ही होम कंट्री इंडिया, फॉरेन कंट्री US है। अगर ऐसा हम अज्यूम करेंगे तो टाइप ऑफ कोर्ट क्या है, ये डायरेक्ट कोर्ट है या इनडायरेक्ट कोर्ट है? अपनी समझने के लिए एक लाइन और यहां लिख के रखो, टाइप ऑफ कोर्ट डायरेक्ट। ठीक है, फिर हम ये पहले चेक करेंगे कि बोरो कहां से करना है और इन्वेस्ट कहां करना है। उसके लिए जो मैंने आपको ये एक तरीका सिखाया है, कैलकुलेशन ऑफ नोशनल इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, यानी इंडिया में इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए था कि आर्बिट्रेज ना हो। 1 + RD × 6/12 / 1 + RF × 6/12 = F/S लेना है। F बाई S का कारण ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ है, डायरेक्ट कोट। चलो सॉल्व करो, स्पीड बढ़ाओ, 5 मार्क के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो है होशियार हैं, उन्होंने आंसर निकाल भी लिया, 11.49%। हाँ, ये आंसर सही है, नेगोशिएशन के बाहर है, ये नॉन नेगोशिएबल आंसर, 11.49 इज राइट। चेक करना, जिसको जैसे आता हो इक्वेशन सॉल्व करना। हाँ जी, नहीं आ रहा है, दिखाओ जरा, कहाँ आया दिखाओ, वहीं से दिखाओ, पास मत आना। परसेंट आ गया सबका, आगे बढ़ू मैं? जिनको नहीं आता ना, अपने घर में छोटे बच्चों से सीख लेना, जो 9th-10th में पढ़ रहा होगा वो आपसे अच्छा बता देगा आपको। हाँ, जो भी तुम दो उसको, तुम्हारा प्रॉब्लम। स्टेप 2, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इक्वल टू 12%। अब बताना, इंडिया में एक्चुअल रेट है 12%,
और होना चाहिए 11.49, ज्यादा रेट दे रहे हो आप, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। यूएस वाला आपकी तरफ आकर्षित होगा, ट्रंप मोदी की ओर बढ़ेगा या मोदी ट्रंप की ओर बढ़ेगा। हाँ, लिखना स्टेप नंबर 3, इवैल्यूएशन सिंस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज। तो इस बार मेरे को एक रिवर्स क्वेश्चन लेना था कि एक्चुअल रेट ज्यादा है तो क्या करेंगे। सिंस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज मोर देन नोशनल इंटरेस्ट रेट, मनी विल फ्लो इनटू इंडिया, मनी विल फ्लो इनटू इंडिया। एक बार ये आइडेंटिफाई हो गया ना, वो अपने आप स्टेप्स आप लिखना और आंसर सही हो जाएगा। पूरे 5 मार्क, कभी 8 मार्क्स मिल जाते हैं। इस टाइप के वन वे कोट वाले क्वेश्चन में गलती करने का स्कोप नहीं है। ओके, फिर लिखना नीचे स्टेप 4, आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। बोरो यूएसडी, अब उन्होंने क्वेश्चन में खास एक अमाउंट दिया है कि अगर आर्बिट्रेज होता है और आपको यूएस में बोरो करना है तो उस केस में आप 83,312 डॉलर बोरो करेंगे। ठीक है, यहां पर अभी 1000 डॉलर मत लिखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो। और अगर मान लो इंडिया में बोरो करने की नौबत आती तो आप 40 लाख से आप स्टार्ट करते हैं। ये पेपर चेकर को फिर सबका आंसर एक ही दिखेगा ना, इसलिए वैसा नोट देते हैं वो। तो बोरो एट 8% फॉर 6 मंथ, 8% पर एनम है। क्वेश्चन में अगर कभी भी पर एनम नहीं भी लिखा हो तो याद रखना, हमारे सिलेबस में SFM में सारे इंटरेस्ट रेट पर एनम है। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो सारे इंटरेस्ट रेट पर एनम है। स्टेप 2 लिखना, कन्वर्ट इंटू रुपीज एट स्पॉट रेट, कन्वर्ट इंटू रुपीज एट स्पॉट रेट। कन्वर्ट इंटू रुपीज एट स्पॉट रेट, तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, रेट भी डॉलर का दिया हुआ है और आपके पास यूएस डॉलर 83,312 है, तो 40 लाख देखो आ गया, लगभग 40 लाख आ रहा है। अब चाहो तो उसको 40 लाख लिख दो, इन्वेस्ट रुपीज 40 लाख फॉर 6 मंथ्स, इन्वेस्ट 40 लाख फॉर 6 मंथ्स एट 12% पर एनम, एट 12% पर एनम। फिर लिखना अमाउंट रिसीव्ड इन रुपीज आफ्टर 6 मंथ, अमाउंट रिसीव्ड इन रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स विथ इंटरेस्ट। फोर्टी लाख इंटू 1.06 कितना आया, 42,40,000। देन रीकन्वर्ट रुपीज इंटू यूएसडी, रीकन्वर्ट रुपीज इंटू यूएसडी एट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, एट 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। वापस अभी डिवाइड करना, आप रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड करना, फॉरवर्ड रेट क्वेश्चन में दिया हुआ देखना, 48.8190 कितना आया, 86851। स्टेप नंबर नेक्स्ट लिखना, रीपे यूएसडी बोरोइंग अलोंग विद द इंटरेस्ट। आपने ऊपर देखो ये अमाउंट बोरो किया है 8% 6 महीने के लिए, तो 6 महीने का इफेक्टिव 4% होगा, 4% होगा ना, इंटू 1.04 से मल्टीप्लाई कर देना, जल्दी हो जाएगा। 83,312 इंटू 1.04 86,644, 86,644 आर्बिट्रेज गेन विल बी इक्वल टू 86,851
माइनस 86644, तो कितने डॉलर का आपको फायदा होगा यहाँ पे चेक करना, $207। तो स्टेप्स में डिटेल में लिखवाता हूँ, कैलकुलेशन भी डिटेल में, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करें तो हर चीज क्लियर हो, ठीक है। दूसरा, जब आप डिटेल में आंसर लिखते हैं तो पेपर चेकर का भी काम बहुत इजी हो जाता है। नाउ विल टेक अ ब्रेक।